नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं हम। उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद की बात, जहां एक ऐसा परिवार है जो दोगुना दर्द लेकर अब जीनों को मजबूर है, क्योंकि उसके ऊपर पहले तो लॉकडाउन की मार गिरी तो दूसरी तरफ विपत्ति ने भी जमकर कहर ढाया। हम बात कर रहे हैं बलिया नगर क्षेत्र अंतर्गत रिंग बंधे की, जहां एक गरीब परिवार का मुखिया कहीं नौकरी कर अपनी और अपने परिवार की रोजी रोटी चलाता था, लेकिन लॉकडाउन हो जाने के वजह से पूरा परिवार बहुत दिक्कत झेल ही रहा था कि दूसरी तरफ उसके घर में शॉर्ट सर्किट से लगे आग ने घर में रखे हर जरूरी सामान को राख कर दिया और भारी नुकसान के साथ दोगुना दर्द झेलने को मजबूर कर दिया। संवाददाता उपेंद्र कुमार तिवारी की रिपोर्ट। अतुल कुमार वर्मा। अतुल जी, आज क्या हुआ था आपके घर में? सात सत्र को वजह से आग लग गई थी, पूरा आग लग गई थी। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? कुछ भी नहीं बताया, साला जल कर सारा जल, खाना पीना कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, तो आपने मदद की गुहार लगाई किसी नेता जी? चेयरमैन साहब से। अच्छा, नगर पालिका चेयरमैन साहब ने? क्या हुआ, आप सूचना उनको दिए तो क्या हुआ? आए घर पे। घर पे आए थे चेयरमैन साहब, देखे आपकी स्थिति, देखे सामान, देखे चला हुआ सब, क्या क्या उन्होंने कहा और क्या अभी आपके लिए राहत का दिया? राहत के लिए 5,000 रुपये दिए और आगे राहत के लिए और आपकी मदद करने के लिए आगे बोले वो। अभी उनकी मदद से आपको कुछ राहत मिली है? जी। ठीक। हम आपके कलावती देवी। कलावती जी, कहाँ घर बा आपके? महावीर घर। का भूल बा आपके घर में? के घर में आग लग गई बा, मजर गई बा। कैसे आग लगल? अभी ना पता चला कैसे आग लग गई लग। अच्छा, सामान कहाँ? सामान पूछने के बाद का जरूर बा आपके? बहुत सामान गायल जल गल बा, मेटर बाइक से कुछ सब जल गल बा, कुछ बाचल बा ना। खाना पीने के सामान? खाने पीने कुछ नहीं के बाचल। कपड़ा पड़ा आपके? ना बाबू, कुछ नहीं के बाचल, सब जल गल बा। कब आग लगल हलई? लागल बा 11 बजे। अच्छा, तो ये बताइए आपके कितना नुकसान भइल बा आपके, का मदद चाहत नहीं? मदद यह चाहते कि उसका कुछ मदद कर दी सर।